इसलिए उनका बाबा साहब अम्बेडकर का 125 फीट का एक स्टैचू गुलबर्गा के तालाब के सेंटर में बनाना बोल के हमारा एक बड़ा मुद्दा है वो रखे है। आपका माध्यम से हम स्टेट गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं। आज का ये हमारा एक प्रेस मीडिया का कॉन्फ्रेंस बोले तो गुलबर्गा में ये क्या तालाब है, बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू के पीछे एक तालाब है ना, वो उसके सेंटर में 125 फीट का बोले तो अड़ी बोल के कन्नड में बोलते फीट का एक बृहत स्टैचू मूर्ति सेंटर में बनाना बोल के हमारा एक बड़ा मुद्दा है वो रखे है। क्योंकि ये आपका माध्यम से हम स्टेट गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का एक बृहत निर्माण स्टैचू का निर्माण करना जरूरी है गुलबर्ग में। क्योंकि ये बहुत बड़ा ये डिवीजन है, बाबा साहब अम्बेडकर तो सभी को है, हिंदू मुस्लिम पकड़ के 140 करोड़ का क्या जनता है, उसके लिए समान संविधान के लिए है, कानून भी समान है। इसलिए उनका बाबा साहब अम्बेडकर का 125 फीट का एक स्टैचू गुलबर्गा के तालाब के सेंटर में बिठाए तो सभी को एक ये गुलबर्गा के माहौल देश में आता बोल के हमारा सोच है सर। इसलिए आपका माध्यम से हम ये स्टेट का क्या है चीफ मिनिस्टर है ना, उनको हम आपके माध्यम से मनवी क्या है कर रहे हैं सर। और ये स्टैचू के लिए निर्माण के लिए यहाँ के स्थलीय क्या है MLA है ना कनीज पातिमे मैडम जी और अलम प्रभु पाटिल जी और मिलके सभी उत्तर से मिनिस्टर प्रियंक खड़गे जी और यहाँ रायचूर मिनिस्टर शनपकस पाटिल जी और KKIDB के प्रेसिडेंट अजय सिंह जी और सभी BR पाटिल साहब सबको हम मनवी दे रहे हैं। MB पाटिल के सबको सबको मनवी दे के थोड़ा ये 125 फीट का ये बृहत बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति ये तालाब के अंदर निर्माण करना बोल के हम सब लेके और सभी ये विचारवादी का सब लेके हम सब मिलके थोड़ा CM को 24 तारीख को ये जनता स्पंदन को आ रहे हैं, जनता दर्शन को उधर हम मेमोरेंडम दे रहे हैं सर। इसके क्या है प्रवासी धर्म भी इम्प्रूव होता गुलबर्गा बारे अदर नियर स्टेट में क्या करे तेलंगाना में भी करे आयर हरिद्वार में भी करे, ये क्या है स्टैचू ऑफ उधर भी एक वल्लभभाई पटेल का हुआ ना वो इधर करे तो 125 फीट का करे तो ये इम्प्रूव होता सर। और प्रवासी धर्म आगे पूरा स्टेट का नहीं तो देश का राष्ट्र का भी नाम पे आता और आउट ऑफ स्टेट कंट्री का आता नाम वो, इसलिए हम बोल रहे सर हमारा ये मांग है सर।